Rahul ji. You can remove that mic. Good morning. It's now pretty clear and established in America that Mr. Adani has broken both American law and Indian law. He's been indicted in the United States and law and Indian law. He's been indicted in the United States, and I'm wondering why Mr. Adani is still running around a free man in this country. Chief ministers have been arrested. Jharkhand chief minister was arrested. Many, many people have been arrested. And Mr. Adani has done apparently 2,000 crore scam, multiple others probably, but he's scot-free. He's running around. There's no problem. There's no investigation. And we've been raising this again and again and again. We've been raising it with the Madhvi Butch issue. We've been raising it. And it's a vindication of what we've been saying. The Prime Minister is protecting Mr. Adani. And the Prime Minister is involved in corruption with Mr. Adani. This has been clearly indicated. So, हिंदी में बोल देता हूँ. नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया, एक हैं तो सेफ हैं. इंडिया में अदानी जी और मोदी एक हैं तो सेफ हैं. हिंदुस्तान में अदानी जी का कुछ नहीं किया जा सकता. चीफ मिनिस्टर 10-15 करोड़ के लिए अंदर चले जाते हैं और अदानी जी 2000 करोड़ रुपए का स्कैम करते हैं और वो बाहर घूम रहे हैं. कारण है कि प्रधानमंत्री उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं. अमेरिका में अब ऑडियो नहीं आ गया सर. हाँ, अदानी पावर, मोदी पावर, पता नहीं कौन सा चल रहा है, बट दोनों एक हैं. अमेरिका में इंडाइटमेंट हुआ है अदानी जी को, 2000 करोड़ रुपए का स्कैम है. हिंदुस्तान में उन्होंने क्राइम किया है, अमेरिका में क्राइम किया है. ये अमेरिका के इन्वेस्टिगेशन ने कहा है, मगर हिंदुस्तान में अदानी जी के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा. और ये हम मांग बहुत दिनों से कर रहे हैं, अदानी जी का अरेस्ट होना चाहिए, आज अरेस्ट होना चाहिए. माधवी बुच जो हैं, जो उनकी प्रोटेक्टर हैं, जिन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, उनको हटाया जाना चाहिए, उन पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए. आपके सवाल हों तो पूछिए. वन बाय वन. मंडे से संसद का शीतकालीन सत्र आरंभ हो रहा है, क्या नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आप व्यक्तिगत तौर पर इस विषय को उठाएंगे लोकसभा के? नहीं, देखिए, हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं. मेरी जिम्मेदारी है एज एलओपी इस मुद्दे को उठाना. प्रधानमंत्री जी 100% इस व्यक्ति की प्रोटेक्शन कर रहे हैं और इस व्यक्ति ने हिंदुस्तान के एसेट्स लिए हैं, भ्रष्टाचार करके एसेट्स लिए हैं. ये व्यक्ति बीजेपी को पूरा समर्थन करते हैं, पूरा सपोर्ट देते हैं. ये एस्टेब्लिश चीजें हैं. हम दोहराते जाएंगे. जेपीसी की मांग हमारी है, बट हम चाहते हैं कि अदानी जी को एकदम अरेस्ट किया जाए. और हम जानते हैं और हम देश को
दिखाना चाहते हैं कि अदानी जी की अरेस्ट नहीं होगी, और इसलिए नहीं होगी क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अदानी जी के पीछे खड़े हुए हैं और उनके प्रोटेक्टर हैं। आप लोग हिंदुस्तान के युवा, आप लोगों को रोजगार नहीं मिलता, महंगाई बढ़ती जाती है, छोटा सा कोई क्राइम करता है जेल चला जाता है, मगर अदानी कुछ भी कर ले हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और एक नेटवर्क, जिस नेटवर्क को हम एक्सपोज करके देश को दिखाएंगे, ये एक व्यक्ति नहीं है, ये अलग अलग पोजीशंस में लोग बैठे हुए हैं और एक एक करके हम आपको दिखाएंगे ये कौन लोग हैं। माधवी बुच का हमने आपको क्लियरली दिखाया है और आगे भी हम आपको रिवील करेंगे ये लोग कौन हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को हाईजैक किया है। चाह रही थी कि जेपीसी की मांग पर क्या विपक्ष के तमाम पार्टियों से भी आपकी बात हुई है, इस पर आप कोशिश करेंगे आने वाले सत्र में? जेपीसी इज इंपॉर्टेंट, जेपीसी होनी चाहिए, मगर अब सवाल यह है कि अदानी जी जेल के बाहर क्यों हैं? अगर कोई भी क्राइम करता है तो नरेंद्र मोदी का कहना है वो उसको अंदर कर देते हैं, और ये जो व्यक्ति हैं जिनको अमेरिकन एजेंसी ने कहा है कि इन्होंने क्राइम किया है, और अमेरिकन एजेंसी ने कहा है कि इन्होंने हिंदुस्तान में क्राइम किया है, ब्राइब्स दी हैं, पावर को महंगा बेचा है, ये सब वहां बोला जा रहा है और प्रधानमंत्री यहां कुछ नहीं कर रहे हैं। और मैं आपको बताता हूं कुछ नहीं कर सकते, अगर वो करना भी चाहें वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो अदानी जी के कंट्रोल में है। ये मेरा मेन मैसेज देश को ये है, जेपीसी है, अदानी जी के अरेस्ट है, मगर मैं जनता को कहना चाहता हूं आप नोट कीजिए, स्कैम किया है 2000 करोड़ रुपए का, मगर मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं यह व्यक्ति ना अरेस्ट होगा ना इस पे इन्वेस्टिगेशन होगा क्योंकि प्रधानमंत्री इसके साथ जुड़े हुए हैं। मौसमी, प्रधानमंत्री की एक तरीके से साठगांठ है और लगातार आपका जो स्टैंड है वो विंडिकेट कहीं ना कहीं हुआ, क्या आपको लगता है क्योंकि आप कह रहे हैं कि इनको अरेस्ट होना चाहिए भारत में भी, जो राज्य सरकारें हैं और जो रिपोर्ट आई है जो फैसला है उसमें भी कई राज्य सरकारों की संलिप्ति है जिन्होंने ब्राइब ली है, तो क्या जो राज्य सरकारें हैं चाहे वो कर्नाटक सरकार हो, तेलंगाना ने MOU साइन किया 2024 इकोनॉमिक फोरम में, क्या प्रोएक्टिव कदम लेके आप अपनी सरकारों को संदेश बिल्कुल देंगे बिल्कुल 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 अदानी जी का अरेस्ट होना चाहिए और जो भी इस मामले में इन्वॉल्व है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए चाहे वो कहीं का भी हो कोई भी हो। आपने स्टेट्स के नाम लिए, राजस्थान भी इसमें इन्वॉल्व है, कुछ ही महीने पहले बीजेपी की सरकार ने इसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट राजस्थान में किया, एंड विच इज द अदर स्टेट, एंड महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार ने ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट किया है, वही कॉन्ट्रैक्ट छत्तीसगढ़ में था। तो मेरा कहना है जहां भी ये हुआ है चाहे ऑपोजिशन की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, पनिशमेंट होनी चाहिए, मगर मेन बात है जो किंग पिन है, जो सेंटर है, उसको जेल में जाना चाहिए, अरेस्ट होना चाहिए और उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इंटरोगेशन होना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि इसके पीछे कौन है। सर आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार किया है अडानी ग्रुप ने, और नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, जो इन्वेस्टिगेशन सामने बात आ रही है, आप क्लियर रहिए, मैं नहीं कह रहा हूं, यूनाइटेड स्टेट्स में इन्वेस्टिगेशन हुआ है, FBI ने इन्वेस्टिगेशन किया है, FBI कह रही है। मैं पहले से रिपीट करता जा रहा हूं जी कि अदानी जी हिंदुस्तान में रोज भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मगर ये अमेरिका की फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने कहा है। तो क्या सर अब जो विपक्ष की सरकारें हैं जहां जहां पर अडानी की जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका भी अब रिव्यू होना चाहिए कि किस चीजों से दिए गए, मैंने बॉयकॉट करेगा विपक्ष? मैंने कल 2-3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल साफ कहा है जहां भी करप्शन है वहां पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मगर इन्वेस्टिगेशन अदानी जी से शुरू होगी और जब तक अदानी जी अरेस्ट नहीं होंगे तब तक क्रेडिबल बात नहीं बनेगी। तो शुरुआत वहां से है, अदानी जी को अरेस्ट कीजिए, उनका इंटरोगेशन कीजिए और फिर जो भी इसमें इन्वॉल्व है पकड़िए, और एंड में मैं आपको बता रहा हूं नरेंद्र मोदी जी का नाम निकलेगा
क्योंकि बीजेपी की पूरी फंडिंग, पूरा फंडिंग स्ट्रक्चर इस व्यक्ति के हाथ में है। इसीलिए प्रधानमंत्री चाहे भी कुछ नहीं कर सकते हैं। एक प्रकार से अदानी जी ने हिंदुस्तान को हाईजैक कर लिया है, हिंदुस्तान अदानी जी के ग्रिप में है, इसलिए उनके हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, डिफेंस इंडस्ट्री, ये पार्टनरशिप है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी और एक तरफ अदानी जी, और मैं आपको यहां कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी अदानी को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। कैपेबिलिटी नहीं है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की कि वो अदानी जी को अरेस्ट करें, क्योंकि जिस दिन उन्होंने अदानी जी को अरेस्ट किया उस दिन वो भी जाएंगे। हाँ संजीव, राहुल जी, यू बीन रेजिंग दिस इश्यू रिलेंटलेसली ओवर पास्ट मेनी मंथ्स बट नथिंग हैज हैपेंड, सो हाउ डू यू in India nothing is happening. No, you're misunderstanding. Let me complete the question. So how do you intend to intensify this demand of yours, and also whether, you know, you've been demanding more scrutiny by the parliament of Indian institutions. So how do you... You're missing the point. See, it is not that nothing has happened. The Prime Minister's credibility has been destroyed, right? We are working. We know that there is going to be no government institution that is going to help put Mr. Adani where he belongs. We know that because the entire government is controlled by the Prime Minister. But what we are doing, and we have done very successfully, is prove to every single Indian youngster that Mr. Adani and Mr. Modi are the same thing, that Mr. Modi is corrupt, that Mr. Adani is his bagman. This is proved, right? And now what we are going to do, as I've already mentioned, slowly, we are going to find different people in this network and expose them to you. We have already exposed to you one lady called Madhavi Bhoj. We have also shown you how she is connected to Mr. Adani. And we are going to show you vast number of other people who are involved in this thing. By the end of it, India will know who are the people, every single one of them, who have hijacked this country. So we are working for the opposition. We are working. We are doing our job. Our job is to make the people of India aware what is going on. Right? That's what we are doing. And I must say that the team that is working is doing a phenomenal job. We are working in the Congress party. Other opposition parties are working. There are many, many people who are, you know, activists who are working. And I guarantee you that this structure is going to collapse. It's not going to survive. And it's a testament to the work being done that the United States has done what it's doing. This is not, don't think that nothing is happening. This is flawed. We have completely obliterated Mr. Narendra Modi's image. हाँ नीरज, आपने कहा कि हम बहुत दिनों से ये अदानी जी का मुद्दा उठा रहे हैं, और आपने कहा कि कुछ हो नहीं रहा है, और मैं इसको हिंदी में दोहराना चाहता हूं, ये गलत है। बहुत कुछ हो रहा है। जो नरेंद्र मोदी जी की जो क्रेडिबिलिटी थी उसको हमने चूर चूर कर दिया है। पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी और अदानी जी एक हैं। पूरा देश जानता है कि इंडिया में अदानी जी सेफ हैं और उसका कारण नरेंद्र मोदी है। और आप ये मत सोचिए कि हम इस बात को छोड़ देंगे। हम आस्ते आस्ते देश को ये पूरा का पूरा नेटवर्क दिखा देंगे, ये कौन लोग हैं, कहां बैठे हैं, किस किस स्ट्रक्चर में बैठे हैं। माधवी बुच हमारा पहला उदाहरण था। हमने दिखाया कि माधवी बुच ने अपना काम नहीं किया, उसका कारण था, उसका कारण भ्रष्टाचार था, उसका कारण कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। हमने दिखाया, उनको हटाया नहीं गया है। बट देश जानता है और हिंदुस्तान का हर रिटेल इन्वेस्टर जानता है कि माधवी बुच इज करप्ट एंड माधवी बुच इज प्रोटेक्टिंग मिस्टर अदानी। राहुल जी, नीरज हूं न्यूज 18 इंडिया से। आप लगातार इस मसले को कांग्रेस पार्टी उठाते रहते, वीडियो के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से। ये जो दस्तावेज आए हैं उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने तीन सवाल खड़े किए हैं जो आपके सामने मैं रखता हूं। एक ये
कि अभी तक ये एलिगेशन है, आरोप प्रूफ नहीं हुआ है, दोषी नहीं हुआ है। दूसरा, आपने खुद कह दिया कि चार जो अपोजिशन स्टेट को पैसे दिए गए, बीजेपी ने यह भी कहा, उस पर क्या कार्रवाई होगी, क्या कार्रवाई करेंगे, आपने इसका जवाब तो दे दिया। और तीसरा, उन्होंने सवाल ये खड़ा किया है कि क्योंकि संसद का सत्र आने वाला है, 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं, इसकी टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ये क्या सवाल जो, है जो अमेरिका से जो अमेरिका ने इन्वेस्टिगेशन जो जी जी जो बीजेपी ने कहा वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो ये तीन सवाल है, एक का जवाब आपने दे दिया है कि कोई भी राज्य हो उस पर कार्रवाई हो, बाकी दो के जवाब। तो आप बीजेपी के सवाल यहां क्यों रख रहे हो? नहीं नहीं, ये सवाल हमारा है राहुल। आप बीजेपी के हो क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं हूं। तो फिर बीजेपी के सवाल हमारे प्रेस राहुल जी, राहुल जी मैं आपके सामने सवाल कर रहा हूं, एक जर्नलिस्ट का सवाल है। और आप नहीं, अभी आपने बोला बीजेपी का सवाल है, बीजेपी के समक्ष हम लोग ऐसे ही रखते हैं। नहीं नहीं बार बार नहीं, देखिए आप मुझे बोले दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपने सवाल पूछा, मैं बोल रहा हूँ, आपका जवाब, आपका सवाल। हाँ, ये मेरा सवाल है, बीजेपी का नहीं, मेरा सवाल। नहीं, आपने अभी दो मिनट पहले कहा कि ये बीजेपी के सवाल है, आपने ही स्वयं, यस बीजेपी ब्रदर, आपने स्वयं बोला बीजेपी जवाब रखा है सामने इस मसले पे, मैंने ये कहा है। नहीं नहीं, आपने बोला ये बीजेपी के सवाल हैं और मैं पूछ रहा हूं। आई नो, बट आई एम जस्ट स्टेटिंग अ फैक्ट। ही सेड दैट देयर बीजेपीज क्वेश्चंस। इट्स इंटरेस्टिंग टू मी दैट द मीडिया इज आस्किंग बीजेपीज क्वेश्चंस टू द ऑपोजिशन। इट्स इंटरेस्टिंग, बट एनीवे आई विल लीव दैट। जहां तक बाकी स्टेट्स की इशू है, मैंने कह दिया है कि जहां भी करप्शन हुआ है वहां लोगों को पकड़िए, अंदर कीजिए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए। ट्रंप का आना जाना वो अलग बात है। देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन पुरानी इन्वेस्टिगेशन है और ये सिर्फ एक, ये एक एस्पेक्ट है अदानी जी का। अदानी जी सिर्फ पावर प्रोजेक्ट्स में नहीं है, अदानी जी ने मोदी जी की मदद से बांग्लादेश में काम किया है, वहां इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है, श्रीलंका में वहां पे इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है, डिफेंस, हाँ, केन्या, केन्या में। तो ये पैटर्न है, जहां प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं, हिंदुस्तान की सरकार की क्रेडिबिलिटी को लाइन पे डालते हैं एंड देन अदानी जी को बिजनेस दिलवाते हैं। तो देखिए, सच्चाई तो आएगी आएगी और हम पीछे छोड़ने वाले हैं नहीं, ठीक है? तो आई एम कॉन्फिडेंट वी विल वर्क स्लोली 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 एंड एंड में वी विल डिसमेंटल दिस स्ट्रक्चर। हाँ विक्रांत सर, मेरा सवाल ये कि आप लोग कहते, अच्छा इन्वेस्टिगेशन के बारे में व्हाट हैज मिस्टर अदानी सेड, हैज ही सेड एनीथिंग? So he hasn't said anything, no? Nothing. So he doesn't feel it necessary. He doesn't feel it necessary to say, to respond to this, that an FBI investigation has shown that he has done 2,000 crores of corruption. He has, let me speak. He has done 2,000 crores of corruption. He has done criminal acts in the United States, criminal acts in India, and he doesn't feel the need to reply. And it's interesting, the media doesn't feel the need to pressure him to reply. Why? सर, जिस तरीके से आप कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, आप भी तमाम आरोप एफबीआई ने तो जांच में ऐसा कहा है, आप लोग ये भी कहते रहे कि अडानी जो है वो चुनावों को भी प्रभावित करते हैं। अभी झारखंड और महाराष्ट्र में स्पेशली चुनाव हुए हैं, वहां पर क्या आपको लगता है कि अडानी ने उनको प्रभावित करने की कोशिश की, और अगर की तो वहां पर आपको क्या उम्मीदें हैं, क्या आपको लगता है कि उसका नुकसान हो जाएगा? ये पॉलिटिकल फाइनेंशियल ब्यूरोक्रेटिक नेटवर्क है, इसमें ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, इसमें पॉलिटिकल लोग हैं, इसमें फाइनेंशियल लोग हैं। एक तरफ ये हिंदुस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को कैप्चर करता है, महाराष्ट्र में किया, मध्य प्रदेश में किया, अरुणाचल में किया, अलग अलग स्टेट्स में किया है, पैसा दे के किया, और दूसरी तरफ ये प्रॉफिट का काम करता है। और इन दोनों में लिंक है, पैसा बनता है, पैसा सरकार को बनाने में जाता है, वर्चुअस साइकिल कह दो, देश के लिए नेगेटिव और इनके लिए वर्चुअस साइकिल। तो ये जो मेन स्ट्रक्चर क्या है, स्टॉक प्राइस को आप ऊपर रखिए, स्टॉक प्राइस के बेसिस पे आप लोन लीजिए और फिर लोन से आप प्रोजेक्ट्स बनाइए, सरकार बनाइए, और प्रोजेक्ट्स लीजिए, और वैल्यूएशन ऊपर जाएगा, ये साइकिल है। जैनेंद्र, जैनेंद्र,
वो आप अभी डिस्ट्रैक्ट करोगे, बाद में बाद उसको डिस्कस बात करेंगे, मगर पॉजिटिव है हमारे लिए। जी राहुल जी, एक तो ये अदानी से जुड़ा हुआ मामला जो है उस पर ये सवाल है कि जब आप सीधा ये मांग कर रहे हैं कि अदानी की गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनकी कंपनियों के साथ आपकी राज्य सरकारों ने जो पिछले दिनों में डील किए हैं, क्या उन डील्स को रिव्यू किया जाएगा, क्या उनको डिस्कंटिन्यू किया जाने पर विचार कर सकते? नहीं देखिए, मैंने झारखंड के प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियरली बोला कि एक है क्रिमिनैलिटी और करप्शन, दूसरा है ड्यू प्रोसेस। अगर अदानी जी अंबानी जी ड्यू प्रोसेस के साथ काम कर रहे हैं, वी हैव नो प्रॉब्लम, बट अगर क्रिमिनैलिटी के साथ काम कर रहे हैं, मोनोपोलाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, करप्शन के साथ काम कर रहे हैं, वी हैव अ प्रॉब्लम। अब सरकार के ऊपर है कि वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करें। हर स्टेट में, बांग्लादेश के कॉन्ट्रैक्ट को इन्वेस्टिगेट, केन्या, बांग्लादेश, श्रीलंका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सब इन्वेस्टिगेट करें। हमारे स्टेट्स में, ऑपोजिशन के स्टेट्स में, सरकारी स्टेट्स में, सब जगह कीजिए, बट शुरुआत तो वहीं होगी ना, अदानी से शुरुआत होगी। तो अदानी को पकड़िए, अंदर डालिए, इंटरोगेशन शुरू कीजिए और इन्वेस्टिगेशन शुरू कीजिए। और ये जो माधवी बुच जी हैं, जो इनके स्टॉक प्राइस को प्रोटेक्ट करती हैं, इनको वहां से हटाइए और क्रेडिबल व्यक्ति को वहां डालिए, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान के जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनका जबरदस्त नुकसान होने वाला है। ये खिलवाड़, ये गेम जो चल रहा है, इसमें अंत में हिंदुस्तान का जो रिटेल इन्वेस्टर है वो मार खाएगा। अदानी जी बच जाएंगे, बड़े बड़े लोग बच जाएंगे, छोटा इन्वेस्टर जो है, मैं आपसे बोल रहा हूं, आप मार खाओगे। और मेरा काम है LOP आपको प्रोटेक्ट करना। राहुल जी, राहुल जी, द प्रोसिक्यूटर्स वर सेइंग दैट दे वे यूज्ड सम कोर्ट्स लाइक द बिगेस्ट मैन, नंबर वन, दीज आर द कोर्ट्स यू आर ऑलवेज रेफरिंग इन योर स्पीचेस, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? व्हाट इज द क्वेश्चन? आई नो द स्ट्रक्चर, सो आई अंडरस्टैंड व्हाट द स्ट्रक्चर लुक्स लाइक, आई बीन स्टडिंग इट फॉर अ व्हाइल। या ऑफ कोर्स, एक है नंबर वन, एक है तो सेफ है, नंबर टू इज ऑल्सो देयर। एक मिनट रंजीता, आई वॉन्ट टू जस्ट से अबाउट दिस, आ रहा हूं यार, सब कुछ मौका दे। वेयर इज द वो ब्राइब वाला दिखाओ, ब्राइब नोट वाला दिखाओ, ये जरा पढ़िए, ये देखिए। इस स्कैम का सिस्टम मैं देश के युवाओं को बता देता हूं। देखिए यहां पे लिखा है, आर अदानी यूज्ड हिज सेल्फ, सागर ए आर अदानी सॉरी यूज्ड हिज सेल्युलर फोन टू ट्रैक स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ द ब्राइब्स ऑफर एंड प्रॉमिस टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। दीज वर कॉल्ड द ब्राइब नोट्स। द ब्राइब नोट्स आइडेंटिफाइड द स्टेट और रीजन for which government officials had been offered a bribe, the total amount of the offered bribe, and the, this is the most important part, ye sabse zaruri part hai, and the approximate amount of solar power the state or region would agree to purchase in exchange for the bribe at inflated prices. Matlab, bijli jo mehengi ho rahi hai, wo isliye mehengi ho rahi hai, kyunki Adani ji bhrashtachar kar rahe hain. Aap yaad rakhiye, जब आप लाइट स्विच ऑन करते हैं, अदानी जी के पॉकेट में पैसा जा रहा है, मोदी जी के सिस्टम को चलाने के लिए पैसा जा रहा है, इसलिए इन्होंने अमेरिका में कहा है ब्राइब नोट्स। राहुल जी, शेयर धारकों का जिक्र किया आपने, इस खबर के बाद 2.5 लाख करोड़ शेयर धारक जो स्टेक होल्डर्स थे उनको पैसे का नुकसान हुआ, इसको आप किस तरह से देखते हैं? और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि क्या पार्लियामेंट में सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, जो इंडिया अलायंस की बात लगातार होती है, इंडिया अलायंस भी इस मुद्दे पर एक साथ है, और क्या इसको लेकर कुछ आप लोगों की योजना? सब एक साथ है, इंडिया अलायंस एक साथ है और सिस्टमैटिकली काम हो रहा है, तो पार्लियामेंट में भी हम एक साथ रहेंगे। पहला सवाल क्या था? हाँ, मैं बोल रहा हूं, मेन स्टेक होल्डर हमारे लिए, मेन स्टेक होल्डर रिटेल इन्वेस्टर है, और फ्रेंकली उनको रिस्क में डाला जा रहा है, और हम
इसलिए माधवी बुच की बात हमने की कि उनका काम रिटेल शेयर होल्डर को बचाने का है, प्रोटेक्ट करने का है, और वो नहीं करनी है। और ये पूरा जो चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है, प्रोटेक्शन का सिस्टम है रिटेल इन्वेस्टर का, ये खत्म हो गया है। इसीलिए हम इसको दोहरा रहे हैं कि आप माधवी बुच को निकालिए और सही इन्वेस्टिगेशन करिए। अदानी जी ने हिंदुस्तान के इन्वेस्टर से, अमेरिका के इन्वेस्टर से झूठ बोला है। अदानी जी हैज डन क्रिमिनल एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कह रहा है कि इंडिया में क्रिमिनल एक्ट किया है, अमेरिका में क्रिमिनल एक्ट किया है, यहां पे सीबीआई क्यों नहीं बोल रही है, यहां पे सेबी क्यों नहीं बोल रही है? दैट इज द सच्चाई है। राहुल सर, मैं कृष्णमोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस से। जब पूरे देश में कोई कानून नहीं लागू होता है तो हम कहते हैं कि पार्लियामेंट में हम कानून बनाएंगे। जेपीसी की आपने बात की, बहुत सारे दोस्तों ने पूछा, अगर जेपीसी में भी इसका कोई हल नहीं निकलता है तो आगे क्या? नहीं, देखिए, जो मैंने पहले बोला, हमारा काम जनता को इन्फॉर्म करने का है। हमारा काम जहां करप्शन हो रहा है, जहां क्राइम हो रहा है, जहां मोनोपोलीज बन रही हैं, हमारा काम जनता को बताने का है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में पहले कहा है, जो नॉर्मली हमारे औजार होते हैं वो हमारे पास नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे मतलब बीजेपी के सवाल पूछे जा रहे हैं, राइट, वो तो क्लियर है, हम जानते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? इंस्ट्रूमेंट्स लीगल सिस्टम होता है, इंस्ट्रूमेंट्स सीबीआई, ईडी, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज होती हैं, इंस्ट्रूमेंट्स मीडिया होते हैं, हमारे पास है ही नहीं। हम अकेले, मैं सिर्फ अकेला नहीं, मतलब हम लोग अकेले आपका काम कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का काम कर रहे हैं, जुडिशरी का भी थोड़ा सा हो रहा है। तो रियलिटी हिंदुस्तान की है। लास्ट क्वेश्चन। हरियाणा पे, शुक्रिया राहुल जी, नमस्कार। डिस्ट्रैक्शन क्वेश्चन, चलो हरियाणा की बात करता हूँ, इलेक्शन एनालाइज करते हैं हरियाणा का। चलिए राहुल जी, आपने हरियाणा का जिक्र किया तो मैं तो नहीं, सवाल किसके बारे में? चलो बताओ, शुरू करता हूँ, एनालिसिस दे देता हूँ हरियाणा वाली, इस विषय पर। अदानी छोड़ो, चलो हरियाणा लाओ सब। ठीक है राहुल जी, हरियाणा पूछ लेता हूँ राहुल जी। राहुल जी, हरियाणा पूछ लेता हूँ, हरियाणा में चुनाव हुआ, आपने इसको तंत्र की जीत बताया और लिंक जोड़ा गया कि पैसा पावर का इस्तेमाल होता है, लेकिन अभी तक एलओपी का फैसला नहीं हो पाया। हाँ, अभी तक एलओपी का फैसला हरियाणा में नहीं हुआ। हाँ, ये अदानी जी के भ्रष्टाचार से बहुत बड़ा मुद्दा है, एक्सप्लोसिव मुद्दा है ये। इसके बारे में एफबीआई भी इन्वेस्टिगेशन करेगी, चेक करेगी इसको, और फिर हम जब एफबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी फिर उसका रिजल्ट आएगा। नहीं, मैं मुद्दे को डाइवर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं मजाक कर रहा हूं। देखिए, जो कपाट हिंदुस्तान की जो का जो फ्यूचर है उसको डैमेज किया जा रहा है। पॉलिटिकल फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, अदानी जी के बीच में जो नेक्सस है, ये देश के लिए खतरनाक है, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए खतरनाक है, उनको चोट लगेगी, लगेगी, पक्का लगेगी, मैं आपको बता रहा हूं। मगर उससे आगे भी ये देश की सिक्योरिटी के लिए खतरनाक है, देश के विकास के लिए खतरनाक है। अगर आप इतना कॉन्सेंट्रेट, धन को, पावर को अगर आप इतना कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो सोशल प्रॉब्लम आएगी, बहुत नुकसान होगा। इसीलिए हम इन चीजों को उठाते हैं। हम चाहते हैं कि अदानी जी का अरेस्ट किया जाए, उनका इंटेरोगेशन हो। हम चाहते हैं कि जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, जो दो मिनट में झारखंड के चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर देती हैं, दूसरों को अरेस्ट कर देती हैं, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर देती हैं, हम चाहते हैं कि वो अपना काम करें, अदानी जी को अरेस्ट करें, इंटेरोगेट करें, और जहां भी करप्शन हुआ है कार्रवाई करें। राहुल जी,
शुक्रिया।